रीयूनियन के बाद डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के बीच कैसा रिलेशनशिप रहता है, सवाल पूछा है शिवानी खेमका जी ने। और उन्होंने आगे कहा है कि ये तो कोई भी अपनी वीडियो में नहीं बताता है, तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे? तो ज़रूर बताऊंगी शिवानी जी, मैं 3D वर्ल्ड की ही बात कर रही हूँ। 3D वर्ल्ड में रीयूनाइट हो जाने के बाद आप अपने अपने सोल मिशन पर ग्रोथ पाने लगते हैं, यानी कि DM और DF दोनों। ऐसा नहीं है कि आफ्टर रीयूनियन ही आपको वो सोल मिशन पता चले, ये आपका पहले से ही स्टार्ट हो चुका होता है कि नहीं। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन से जब सेपरेशन में आते हैं तो आपको भी अवेकनिंग का एहसास होता है, ईगो मेल्टिंग होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का एहसास होता है और न्यू स्टार्ट, न्यू करियर लाइन, सब कुछ नया होने लग जाता है। आपने अब तक भी अपनी नई करियर लाइन चुन ली होगी, है कि नहीं? तो ट्विन फ्लेम जर्नी और डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कंसल्टेशन बुक करवाइए। स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर आप पता करें कि फी क्या है और अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइए, ठीक है? धन्यवाद। आगे बात करती हूँ कि मेरे साथ भी इसी तरह से 3-4 बार हुआ, और अच्छा हुआ कि इस समय रहते हैं मुझे पता नहीं चला, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता रहा तो अच्छा ही रहा, नहीं तो इसी तरह से कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता। ईश्वर ने ही गाइड किया, ईगो मेल्ट किया, बहुत रुलाया और आज आपके सामने हूँ। अब किसी तरह का डर नहीं है, जी हाँ, किसी भी तरह का, इवन डेथ का भी कोई डर नहीं है। ट्विन फ्लेम से रीयूनाइटेड हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो ईश्वर का मुंह दिखाना है, तो मृत्यु एक अटल सत्य है, ये तो आप जानते ही है ना। तो फिजिकली अलग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, बट सोल कनेक्शन तो कनेक्टेड ही रहेगा ना, तो इसीलिए इसको सोल कनेक्शन के हिसाब से समझे। इन शॉर्ट, शिवानी जी का सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि रीयूनाइट होने के बाद किसी न किसी रूप में सोसाइटी की हेल्प दोनों ही करते हैं, किसी न किसी रूप में, और अननोन फियर एंड इवन फियर ऑफ डेथ का भी किसी भी तरह का डर नहीं रहता, इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके होते हैं, अनकंडीशनल लव एंड यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, यानी सभी से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी नेचर इन सभी से। फिर कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ट्रिगरिंग हो गई, बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी भी नहीं लगी तो समझाइश के साथ बातें क्लियर हो जाती हैं, आपस में किसी भी तरह का डर नहीं रहता है, फीलिंग एट होम एंड रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है आफ्टर रीयूनियन। अविश्वास भी नहीं रहता है कि कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक्चुअली अपने भीतर के ईश्वर को जब हम पा लेते हैं ना, तो एक कंप्लीटनेस का फीलिंग का एहसास होता है और एक दूसरे को फुली सपोर्ट करने लगते हैं। बहुत मुश्किलों और कई सालों के बाद 3 कपल मेरे ही क्लाइंट हैं, इनकी मैरिज जस्ट होने ही वाली है। तीनों मुझसे 2 साल और 1 कपल 1 साल से जुड़े हुए हैं। एक कपल का 28 नवंबर, दूसरे का 29 नवंबर इस साल को शादी फिक्स हो चुकी है। दोनों, जो दूसरा कपल है, अनमैरिड है, उनका एंगेजमेंट सितंबर में हुआ है और अभी 15 फरवरी को 3D वर्ल्ड में शादी होने जा रही है। तो जी हाँ, ये कोई सिंपल लवर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत आंसू बहाना, बहुत बदनामी, बहुत कुछ हो जाने के बाद, बहुत ट्रिगरिंग होने के बाद ये अपने आप को साध पाए हैं, अपने आप को इन्होंने साधा है। आप सभी भी उनको आशीर्वाद दें ताकि आपके साथ भी अच्छी बातें होने लगे और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होने लगे। तो यही बात है कि ये तीनों ही रीयूनाइटेड इस 3D वर्ल्ड में ऑलरेडी हैं वैसे, बट एक स्टैंप लगना होता है मैरिज का, वो जस्ट लगने वाला है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें होती हैं कि आपको अपने हिसाब से चलना होता है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी सोल कनेक्शन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और रीयूनाइट होने के बाद कुछ भी तरह का डर नहीं रहता है, ये विश्वास मानिए, मैं बोल रही हूँ, विश्वास मानिए। धन्यवाद, नमस्कार।